यो फूडीज, लच्छा पराठा तो हम सब का फेवरेट होता है, और इतना कुरकुरा और ऐसा मल्टीलेयर पराठा मिल जाए तो कौन ना कहेगा। तो चलिए तैयार करते हैं ये पराठा बस मिनटों में। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी आटा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच तेल। तेल मिलाने से आपके पराठे जो हैं थोड़े से खस्ता, थोड़े क्रिस्पी से बनते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसका आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये आटा लगा लिया है। ये हमें इसको इतना सॉफ्ट रखना है। अब हम इस आटे को साइड में रख देंगे करीब 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पराठा बनाने के लिए हमने सबसे पहले आटे की लोई बना ली है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हमें इसको एक रोटी के जितना बड़ा बेलना है। ये देखिए, ये रोटी हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम इस पे स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा घी। यहाँ पे आप घी की जगह आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। हम ज़्यादा क्वांटिटी में घी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये लच्छा पराठा है, तो इसको जितना हम अच्छा घी या तेल का यूज़ करेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। यहाँ पे हम ये गेहूं के आटे को ही स्प्रिंकल कर रहे हैं। आटा जो है रोटी पे सब जगह अच्छी तरह से लग जाए, इसलिए हम इसको पूरे पे स्प्रिंकल कर देंगे और अब बाद में हम इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये आटा हमने सब तरफ स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसकी मेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इसको फोल्ड करना। इसको फोल्ड करने के लिए हम इसको इस तरफ, एक तरफ से रोटी को उठाएंगे और इस तरह से इसको आधा हम फोल्ड कर देंगे। जैसे हम बचपन में पेपर फैन बनाया करते थे, ठीक उसी तरह से हम इसको वन बाय वन उठाते जाएंगे और फिर से हम इसको उठा के इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम पूरी रोटी को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से सारा फोल्ड कर लिया है। अब इसको फिर से एक राउंड शेप में देने के लिए हम इसका एक कोना पकड़ के इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको फिर से राउंड शेप में फोल्ड कर लेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम इसमें इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये जो हमारी लोई है ये बन के तैयार हो चुकी है। इसको हम 2-5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप ये पराठा मेहमानों को सर्व करते हैं तो इस तरह से आप लोई बना के थोड़ी देर पहले ही रख सकते हैं। आप इसको कवर करके रख दीजिए और जब बनाना है तो आप इसे जल्दी से बना के सर्व कर सकते हैं। करीब 5 मिनट के बाद ये देखिए, इसमें सारे लच्छे जो हैं अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी बेल सकते हैं, और अगर आप बेलन का यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलें, ताकि इसके लच्छों पर ज़्यादा प्रेशर ना आए। ये हमारा पराठा तैयार है। अब हम इसको सेक लेंगे। सबसे पहले हम तवा गरम कर लेंगे। जैसे ही तवा गरम हो जाता है हम पराठा रख देंगे और इसको करीब 1 मिनट तक हम इसको सेकने देंगे। ये देखिए, एक साइड से सेक चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेकने देंगे। दूसरी साइड से भी अभी थोड़ा सा सेक चुका है। अब हम इस पर स्प्रेड करेंगे घी।
आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम घी को पूरे पराठे पे स्प्रेड कर देंगे और इसकी साइड को चेंज करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इसके लच्छे जो है एक एक करके कैसे खुलने लगे हैं। इसी तरह से अब हम इस साइड पे भी थोड़ा सा और घी स्प्रेड करेंगे और इसकी साइड को फिर से चेंज करके हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितना कुरकुरा पराठा दिख रहा है एकदम। ये पराठा जो है अब सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। ये लीजिए, हमारा गर्मा गर्म लच्छा पराठा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके एक एक लच्छे, एक एक परत कितने अच्छे से खुल चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैदा से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बना है। तो आप भी खाइए, अपने मेहमानों को भी इम्प्रेस कीजिए। पसंद आया तो फटाफट से लाइक और कमेंट कर दीजिए और शेयर भी।